इसलिए संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कि गुण ही गुण हो, अवगुण हो ही नहीं। जिसमें पांच गुण होता है विशेष उसको धर्मात्मा कहते हैं, जिसमें पांच अवगुण विशेष होता है उसी को दुरात्मा कहते हैं। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा जिसमें कि दुर्गुण नहीं हो, अवगुण नहीं हो। भले दुर्गुणों से बचने के लिए भक्त प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। संत महापुरुषों का कथन है कि दूसरों के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। अगर दूसरों में देखना ही चाहते हो तो गुण को देखना चाहिए। अगर अवगुण ही देखने का मन हो तो अपने अवगुण को देखना चाहिए। जो अपने अवगुण को देखने लग जाता है उसमें अवगुण रहता ही नहीं है। संत कबीर साहब एक बार बुरा को ढूंढने चले, उनकी साखी है। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसा बुरा न को। संत कबीर साहब कहते हैं बुरा को खोजने हम चले लेकिन मुझे एक भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने को टटोला तो अपने में बहुत से अवगुणों को, दुर्गुणों को मैंने पाया। तो जो अपने में अपने दुर्गुण को देखने लग जाता है उसमें दुर्गुण अवगुण रहता ही नहीं है, वही महान पुरुष बन पाता है। देखिए आज संत कबीर साहब संतों में सम्राट की पदवी को पाया है और सम्राट कहलाते हैं। बुरी निगाह वाले संसार में जो बुरी निगाह से देखते हैं तो संसार में उसी से बुरा ही बुरा नज़र आता है। जो अच्छी निगाह से देखते हैं उनको अच्छा ही दिखता है। जो चश्मा पर हरा रंग का शीशा लगा लेता है उसे हरा ही दिखता है। इसका माना यह नहीं है कि संसार में सब हरा ही हरा है। लाल रंग का चश्मा पहन लेने पर लाल रंग ही दिखता है, सब कुछ लाल ही लाल दिखता है। इसका मतलब सब लाल ही नहीं है। उसी तरह आप अच्छी निगाह से देखेंगे तो सब आपको अच्छा ही दिखेगा, बुरी निगाह से देखेंगे तो बुरा ही दिखेगा। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको सब अच्छा ही नज़र आता है। महाभारत के प्रसंग के माध्यम से हम लोग जाने, एक बार गुरु द्रोण, धर्मराज, युधिष्ठिर और दुर्योधन से कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं तुम दुर्जन को खोज करके लाओ, दुर्योधन से कहते हैं तुम सज्जन को खोज करके लाओ। दोनों खोजने के लिए निकलते हैं, भर दिन ढूंढते रह गए। लौट करके संध्या समय जब आया तो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज पूछते हैं दुर्योधन सज्जन तुमको मिला? दुर्योधन ने कहा गुरुदेव हमको एक भी सज्जन नहीं मिला। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा संसार में सज्जन नहीं है? कहा गुरुदेव सज्जन तो है लेकिन मुझको नहीं मिला। जिसमें पांच गुण देखते थे तो एक अवगुण भी देखने में आ जाता था उसको हम सज्जन कैसे कहते? मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आया जिसमें कि गुण ही गुण हो। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं क्या आपको दुर्जन मिला? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव मुझे एक भी दुर्जन नहीं मिला। तो कहते हैं क्या संसार में दुर्जन नहीं है? कहा गुरुदेव दुर्जन तो है लेकिन मुझको नहीं मिला, इसलिए कि जिसमें पांच अवगुण देखने में आता था तो एक गुण भी देखने में आ जाता था तो उसको हम दुर्जन कैसे कहते? मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसमें कि अवगुण ही अवगुण हो, गुण एक भी नहीं हो, ऐसा नहीं मिला, इसीलिए मुझे दुर्जन नहीं मिला। इससे बोध हो रहा है सब कोई जान